हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि पांच सबसे जो घटिया कंपनी है दुबई में, इसमें आपको बिल्कुल नहीं आना है, नहीं तो सच में आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड ही वीडियो बनाता था कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी ख़राब है, कौन सी कंपनी में आपको नहीं जाना चाहिए। तो ये पाँच कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, और इसका लोगो और इसका कोई भी फ़ोटो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक चैनल था पहले कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सा कंपनी में नहीं जाना चाहिए, SKS दुबई के नाम से। बट वो कंपनी वाले लोग ने चैनल को ही डिलीट करा दिया, क्योंकि जो कंपनी जैसा रहता मैं वैसा बताने की कोशिश करता हूँ, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं है। क्योंकि वर्करों से बात करके फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, मेरा काम ही है। दो दिन तीन दिन पर साइट चेंज करते रहता हूँ, एक एक दिन पे तो कभी कभी दो दो साइट पर जाता हूँ, और वहाँ के वर्करों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी में आपको आना चाहिए और कौन सी कंपनी में नहीं आना चाहिए। तो चैनल पर भाई लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो ही मैं बनाते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। और पहला जो सबसे नेगेटिव कंपनी, मतलब इसमें ज़्यादा वर्कर को शोषण होता है, समझो सैलरी भी टाइम टू टाइम नहीं है, तब मैं इस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। तो वीडियो जितना शेयर कर देना ताकि मेरे वर्कर भाई जो भी है उन लोग तक ये वीडियो पहुँचे और उन लोग भी सतर्क हो जाए इस कंपनी में, ठीक है। तो पहला कंपनी का जो नाम है दोस्तों, वो है अर्मा ग्रुप। ये कंपनी में बिल्कुल आपको आने जुकुर नहीं है, क्योंकि यहाँ आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत, क्योंकि यहाँ के जो भी वर्कर भाई लोग थे वो वाला चैनल पर मुझे 18 से 20 हज़ार वर्कर भाई जुड़े हुए थे हमारे से, वो लोग से मैंने पर्सनली बात किया, देखा, पूछा, तब मुझे मालूम चला कि ये कंपनी में आपको आने के लायक नहीं है। तो इसका कहीं पर भी इंटरव्यू चलता उलता होगा तो आप बिल्कुल मत आना, नहीं तो फिर आने के बाद आप फंस जाओगे, फिर आपका बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है। ये कंपनी का नाम था अर्मा ग्रुप। मैं लोगो यूज नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि मालूम है कि कंपनी का लोगो यूज करूँगा तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों, अल हबीबिया कंस्ट्रक्शन। ये कंपनी में आपको नाम से अरबी लग रहा है, मगर ये अरबी का कंपनी नहीं, एक मड़वारी केरला वाला का कंपनी है, यह नाम अरबी के हिसाब से रखा है। तो अल हबीबिया कंस्ट्रक्शन कंपनी में बिल्कुल आपको नाम याद रखना, इसका कहीं पर भी इंटरव्यू चलता होगा तो आप बिल्कुल मत आना, ठीक है। तो ये दो कंपनी का जो मैं नाम बताया इसमें बिल्कुल आपको नहीं आने का है। तीसरा कंपनी है दोस्तों, माइक्रो टी कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये भी छोटा मोटा बिल्डिंग बनाती है, लेकिन इसमें भी वर्कर 12-13 हज़ार वर्कर काम करते हैं। ये ज़्यादातर बिल्ला वगैरह बनाता है। तो ये कंपनी में बिल्कुल आपको आने जुकुर नहीं है, क्योंकि अगर ये कंपनी में आओगे तो बुरी तरह फंस जाओगे। मेरा बताने का मतलब यही है कि आप लोग पहले से अवेयर हो जाओ कि ये सब घटिया कंपनी में आओगे तो फिर आप जो सोचकर अपना लाइफ सेटिंग करने के लिए आओगे तो पता चला कि यहाँ पर लाइफ सेटिंग क्या होगा, आपका लाइफ बर्बाद होगा। इसलिए मैं इस सब चैनल के माध्यम से मैं आपको वीडियो बनाकर आप तक अवेयरनेस फैलाता हूँ। तो इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियो ज़्यादा शेयर कर देना, अपने वर्कर भाइयों तक पहुँचा देना, ठीक है। दूसरा है देखिए, नहेद मैकेनिकल कंपनी। ये भी कंपनी में आपको बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि ये भी कंपनी में आओगे और ये शारजा की कंपनी है। ये मैं नाम बता रहा हूँ, शारजा में ये कंपनी है, क्योंकि शारजा के भी कंपनी ज़्यादातर फ्रॉड रहती है, मुझे मालूम है। ज़्यादातर कंपनी आपको मिलेगा जो अच्छा कंपनी और अच्छा रूल फॉलो करती है दोस्तों, वो है अबू धाबी। क्योंकि मैं ऑलरेडी 10 साल से कंटिन्यू अबू धाबी में मैंने काम किया, फिर जॉब चेंज करके मैं अजमान के अंदर आया, तो अबू धाबी में मैंने रहा है, तो वहाँ का देखा है, फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये कंपनी के बारे में, जो कंपनी का मैंने नाम बताया। दूसरा है एच आर सी मैकेनिकल कंपनी। ये बेसिकली पूरा जो वायरिंग का काम कराती है, लाइट वाइट पूरा लगाती है, वो ये कंपनी लगाती है। और जैसे कि बिल्डिंग जो बन जाता है तो जो इसमें वायरिंग का काम होता है, लाइट है, प्लम्बिंग है, MBP का ये ज़्यादातर काम कराती है। तो इसका भी, क्योंकि ये वर्करों के साथ फ्रॉड, मतलब गलत के वजह से अभी इसका वीज़ा वगैरह भी बंद है, बट विजिट वीज़ा पे बुला के एजेंट लोग पैसे लालच दे के फिर यहाँ पे वर्करों को फंसाते हैं, इसलिए आपको ये कंपनी में भी नहीं आना चाहिए दोस्तों। और जो भी बताया दोस्तों अपने रियलिटी के बेस पर बताया, तो जो कंपनी के बारे में आपने पूछना चाहता है तो चलता है वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, आपका भाई ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैं ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए खोला हूँ, ठीक ना। क्योंकि
मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं मेरा वर्कर भाई कोई भी गलत कंपनी में आकर फंस जाए, क्योंकि गलत कंपनी में फंसने के बाद कितना बुरा हाल होता है। जो लोग मेरे दुबई में भाई लोग वीडियो देख रहे हैं उस इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि लोग वापस जाने के लिए कितना फिर कि किसी तरह मैं अपने कंट्री वापस जाऊँ। तो दुबई में जो मेरा भाई लोग वर्कर भाई लोग वीडियो देख रहे हैं उनका खास सपोर्ट चाहिए, और नीचे कॉमेंट में लिखो कि सप्लाई कंपनी कितना बुरा होता है, तो यस ज़रूर कॉमेंट में लिखना, ताकि मुझे भी बिलीव हो जाए कि मेरा वर्कर भाई दुबई से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं।